By you present out an ordinary introduction to an extraordinary person. Nadeem, इनके दोनों हाथ नहीं है. वैसे तो बचपन में इन्हें पढ़ाई से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इनकी ड्राइंग टीचर को आप सजा देते हैं कि इनकी ड्राइंग टीचर की वजह से ही वो ड्राइंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे. पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एजुकेशन नहीं किया है. वो जो है 12वीं का इम्तिहान पास है, और जिस तरह से आप जानते हो कि जब कोई डिसेबल होता है, यानी किसी के हाथ नहीं होते या और कोई बीमारी की वजह से, तो एसएससी बोर्ड का एक रूल है. आप सब इस बार एसएससी का पेपर देने वाले हो, तो एसएससी बोर्ड का एक रूल है, तो उस बच्चे को जो है राइटर दिया जाता है, वो राइटर. लेकिन नदीम के बारे में ये कहूंगा कि उन्होंने दहुम जमात में और 12वीं जमात में, दोनों जमात में राइटर लेने से इनकार किया और खुद अपने पैरों से पेपर लिखे हैं और कामयाबी हासिल की. इस वक्त MFPA, ये जो लोग अपने मुंह से और पैरों से जो अपनी ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे इन लोगों की तंजीम है. 2007 से दलित हो गए और नदीम जो है उसके मेंबर है और बहुत ही फाल मेंबर है. और नदीम ने बहुत सारे फिल्म स्टार्स है, मुख्तलिफ नज़ारों की तस्वीरें, कुछ सियासी लीडरों की तस्वीरें. सियासी लीडर ने नदीम का मैंने फेसबुक पे जब देखा तो इन्होंने अपने जमाने के मशहूर सियासी लीडर जो मुंबई में जिन्होंने काफी नाम किया, अभी अभी जिनका इंतकाल हुआ, बाला साहेब ठाकरे साहब की जो इन्होंने हूबहू तस्वीर बनाई, आप फेसबुक पर कभी अगर जाएंगे तो इनकी तस्वीर देख सकते हैं. और इनका यूट्यूब पर पेज भी है जिनके इनके बहुत से कीमती काम है और उन कामों का जो है पूरा इन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर देख सकते हो. अभी सारे के सारे यहाँ पर वीडियो बताना पॉसिबल है, लेकिन किसी दिन हम लोग इनके इनके वीडियो जरूर बनाएंगे आपको. इसके अलावा खेलों से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद की इन्होंने तस्वीरें बनाई और बहुत उनका तस्वीरें बनाई है. पेंटिंग इनका पैशन है, जब ये पेंटिंग नहीं करते तब अपने आप को किसी और चीज में मुलविस करते हैं. तो क्या है कि किसी प्रोग्राम में जो वॉलंटियर्स की जरूरत होती है वहां पर चला जाना, हम लोगों के दोनों हाथ दोनों पैर सलामत है, उसके बाद वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी निभाना एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये बखूबी नहीं बात है. आप जो है मुख्तलिफ तंजीमों के मेम्बर है और मुख्तलिफ तंजीमों की मीटिंग में आप शरीक होते हैं, तलबा के लिए खुसूसी मोटिवेशनल लेक्चर रखते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये जज बनकर जाते हैं. इससे कबल 31 दिसंबर के रोज एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें नदीम जज जो हमारे स्कूल से शगुफ्ता में थी, जो है जज के तौर पर वहाँ पर शामिल हुई थी, क्योंकि वो एग्जाम जो था वो पेंटिंग से रिलेटेड था. एक आसानी से पूछे थे नदीम के बारे में और एक हर बात है कि ये स्विमिंग भी करते और ये फुटबॉल भी खेलते हैं और लड़कों को जाकर ताजुब होगा कि क्रिकेट भी खेलते हैं. हाँ तो क्या हुआ, तो बात करना उससे. बस अब मैं यही कह सकता हूँ नदीम इज अ वेरी स्पेशल ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लैनेट. आइए हम सबको तालियां बजाएं. मैं हमारे नूरजहां में हमारे प्रिंसिपल